हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय चैनल लूट न लूट। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल एक ही स्थान पर एक ही किस्म के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को फसल कहते हैं। देखिए, फसल एक तो ये है हमारी फसल की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे कि फसल रवि खरीफ, ये दो फसलें होती हैं, और जाई तीन प्रकार की होती है। पहली रवि, दूसरी खरीफ। ये हमारे फसलों के प्रकार हैं। अब फसल कैसे उगाएं, फसलों को उगाने की विधियां। तो अगर हमें गन्ने की फसल तैयार करनी है तो उसका मैं रेखा चित्रण कर देता हूँ। गन्ने की फसल तैयार करने का गन्ने की फसल कैसे उगाएं? हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे गन्ने की फसल को उगाने के लिए? सबसे पहले उस खेत की हम मिट्टी को तैयार करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले उस मिट्टी को तैयार करना, उस खेत को। मिट्टी कैसे तैयार होगी? मिट्टी को तैयार करना मतलब उसमें जो भी खरपतवार है उसको हाथों से या किसी भी उससे हटाना, जितना आपसे हो सके मिट्टी को उसको भुरभुरी बनाना। उसके बाद दूसरा प्रक्रम है हमारा खेत की जुताई करना। जुताई करने से ये होगा कि हमारी मिट्टी में जो भी खरपतवार हैं सारे खरपतवार हमारे खत्म हो जाएंगे और सब मिट्टी के अंदर दब जाएंगे। मिट्टी के अंदर ये दब जाएंगे तो बाद में वो खाद बन जाएंगे, प्राकृतिक खाद। दूसरा है हमारा, मिट्टी तैयार हो गया, जुताई हो गई। अब हमें करना है बुआई। हम बीज बोएंगे, जो हमारा गन्ने का बीज होता है हम उसको बोएंगे। तो बीज बोना, बीज को छीट देना खेत में। आप हाथों से बीज को छीट दें या एक मशीन आती है उससे आप उसको ड्रिप कर दें। डायरेक्ट ऐसे करिए, पुश करिए उसको और ड्रिप हो जाएगा। फिर तीसरा प्रक्रम है हमारा हो गया मिट्टी तैयार करना, जुताई करना, बीज बोना। अब हमें क्या करना है? खेत को खाद देना, मिट्टी को खाद देना। खाद आप उर्वरक दीजिए या आप प्राकृतिक खाद दीजिए। प्राकृतिक खाद भी अच्छी होती है, उर्वरक भी अच्छा होता है। अब हमारा पांचवा प्रक्रम है सिंचाई करना। सिंचाई के बारे में हम आगे बताएंगे कि सिंचाई की विधियां और सिंचाई किसे कहते हैं। तो अब ये सिंचाई, हमारे खेत में सिंचाई हो गई आधुनिक विधियाँ से। पहले रहट और बैलों के द्वारा सिंचाई होती थी, पानी पहुँचाते थे,
नहरों में तोड़ ओड़ के। अब सिंचाई की दो विधियां हैं, ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकलर सिस्टम। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंचाई के बाद हम क्या करेंगे, सिंचाई हो गई, मिट्टी तैयार हो गई, जुताई हो गई, बीज बो दिए, खाद दे दिए, सिंचाई कर दिए। अब जब फसल उग जाएगी तो हमें उसकी कटाई करना। फसल पक गई तो हम उसकी कटाई करेंगे। अब हमारा सातवां प्रक्रम है फसलों को काट कर। ये गन्ने की फसल है ना, तो गन्ने की फसल कहाँ जाएगी, जब हम फसलों की कटाई करेंगे तो उसको हम चीनी मिल में भेजेंगे। गन्ने से चीनी बनती है, उससे गुड़ बनता है। तो ये मिट्टी गन्ने की फसल उगाए उग गई, अब उसको हम चीनी मिल में भेजेंगे। आप चीनी मिल में भेजिए चाहे ना भेजिए, ये तो एक प्रक्रम है कि बाद में वही जाना है। ठीक, अब हम बात करेंगे खरपतवार की। खरपतवार किसे कहते हैं, फसलों में उपस्थित कई अवांछित पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है तब भी वे उग गए हैं, घास फूस समझ लीजिए आप, उसे हम खरपतवार कहते हैं। फसलों में कई अवांछित पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वह खरपतवार कहलाते हैं। परिभाषा हो गई, अब हम इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए ज्यादातर निराई की जाती है। निराई समझ रहे हैं ना, उसको खोद खोद के किसी भी वस्तु द्वारा, चाहे आप खुरपी से खोदिए चाहे किसी भी चीज से खोदिए, उसको निराई करिए खेत की, उसको नोच के हाथों द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा खरपतवार। खरपतवार पर नियंत्रण में खरपतवार नाशी भी आती है। खरपतवार नाशी का मैं दो खरपतवार नाशी का नाम बता रहा हूँ, वो आप फसलों में डाल सकते हैं। उर्वरक और मानव निर्मित वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये कम दाम में भी मिल रही हैं और अधिक खेतों को नुकसान तो खेतों को पहुंच ही रहा है, इससे हम बहुत जल्दी फसल उग जा रही है। खरपतवार नाशी जब हम डालते हैं तो उसका नाम है 2, ये 2 खरपतवार नाशी का नाम है, 4D, ये 2 खरपतवार नाशी हैं, ये आजकल ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा खरपतवार। कुछ छोटे एक मिनट विनोइंग, कुछ छोटे खेत वाले किसान जिनके पास अधिक बहुत बड़ा खेत नहीं है, विशालकाय खेत नहीं है, वो फसलों में दाने को अलग करने के लिए उनको फटक फटक के, जैसे पीट पीट कर, जैसे रहर हो गई, रहर को कुछ छोटे खेत वाले किसान उसको पीट पीट कर दाना और भूसा अलग करते हैं, जबकि जो बड़े खेत वाले उसी को विनोइंग कहते हैं। जो
छोटे खेत वाले किसान फटक फटक कर भूसे और अनाज को दाने को अलग करते हैं, उसे बिनोई कहते हैं। जो बड़े खेत वाले किसान रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कॉम्बाइन मशीन आती है, उस कॉम्बाइन मशीन के द्वारा फसलों को मशीन में डाल दिया जाता है, उसमें अपने आप भूसा और दाना अलग हो जाता है। अधिक खर्च ना हो इसलिए छोटे खेत के किसान विनोइंग द्वारा उसको वो करते हैं, विनोइंग। जैसे बड़े खेत वाले किसान गेहूं जो होता है, गेहूं में दाना और भूसा अलग करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसका जो पौधा रहता है वो एकदम सीधा रहता है, उसमें हम भूसा उसको बना नहीं सकते। एक एक चुन चुन के दाना अलग करेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उसके लिए थ्रेशर मशीन में हम पीछे से भूसा डालते हैं, मतलब वो डालते हैं पौधा, और उसमें अपने आप एक तरफ गेहूँ निकलता है एक तरफ भूसा निकलता है, तो ये बहुत अच्छी विधि है, वो थ्रेशर कहलाती है। कुछ छोटे खेत वाले किसान की परिभाषा। अब हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई की विधियां, आधुनिक विधियां, पुरानी विधियां। अगले वीडियो में हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, देखते रहिए लोड ना लो, जम के पढ़िए और इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और भी हमारे दोस्त जो हमारी कक्षा में पढ़ते हैं 8th क्लास के, ये हमारा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन साइंस का, ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। अगर इसके बारे में कुछ किसान लोग को भी मदद मिल सकती है तो कृषि के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अगला वीडियो हम सिंचाई अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।